हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों 30,000 के बजट में आने वाले फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, जिन लोगों की नीड है दोस्तों एक अच्छा कैमरा, अच्छी बैटरी और अच्छा सा डिस्प्ले, उन लोगों के लिए दोस्तों आज मैं टॉप 4 ऐसे स्मार्टफोन लेके आया हूँ जिसमें दोस्तों आपको तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, इवन दोस्तों आपको बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसी मोबाइल से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों IQ Neo 6 के बारे में। अगर डालते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पे एक नज़र तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों आपको डिस्प्ले मिल जाता है 6.6 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है दोस्तों, साथ ही इसमें आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। मगर दोस्तों यहाँ पे बात करें इसके रिफ्रेश रेट के बारे में, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, इसकी वजह से दोस्तों इसका डिस्प्ले परफॉर्मेंस आपको आउट ऑफ द नॉच देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको आउटडोर में भी डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। इवन दोस्तों बात करें इसके गेमिंग परफॉर्मेंस, तो इस डिवाइस का गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर बात कर जाए इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड है दोस्तों 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आपसे रियर से आपको 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS के ऊपर, और साथ ही इसमें आपको एक दोस्तों ड्यूअल वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो दोस्तों इस प्राइस रेंज पॉइंट के अंदर आपको काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर बात करी जाए दोस्तों इसके सेल्फी के बारे में, तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है विथ पंच होल के साथ। अगर बात करें दोस्तों फ्रंट से वीडियो रिकॉर्डिंग के, यहाँ पर 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे फुल HD में। अगर बात करें दोस्तों इसके रैम के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लेटेस्ट रैम टाइप देता है देखने को मिल जाता है, LPDDR5X रैम देखने को मिलता है। और दोस्तों रैम की अगर बात करें तो यहाँ पे 8GB रैम मिल जाती है, साथ ही दोस्तों यहाँ पे 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। अगर दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो UFS 3.1 का यहाँ पे आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है दोस्तों। और बात करी जाए दोस्तों यहाँ पे बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे 4700mAh की बैटरी दी गई है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे 4700mAh की बैटरी दी गई थोड़ी कम है, मगर दोस्तों इसको कवर अप करने के लिए आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो दोस्तों एक काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात करी जाए दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों प्रोसेसर मिलता है Snapdragon 870, तो इसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, और साथ ही दोस्तों ये 7nm टेक्नोलॉजी पे ये प्रोसेसर बेस्ड है दोस्तों। अगर दोस्तों बात करें इसके OS के बारे में, तो Android 12 पे स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें, तो यहाँ पे इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों 29,999 रुपये में स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और जिन लोगों को जो ये चाहिए गेमिंग स्मार्टफोन, जिन लोगों को तगड़ी वाले गेमिंग करने हैं, तो ये स्मार्टफोन वो एक बार ये चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे दूसरे डिवाइस के बारे में, जो है दोस्तों OnePlus Nord 2T। ओके फ्रेंड्स, डाली जाए दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन पे एक नज़र, तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों आपको 6.4 इंच का AMOLED पैनल वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको 90Hz रिफ्रेश देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे डिसअपॉइंट आपको लग सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे 120Hz रिफ्रेश देना चाहिए था, मगर दोस्तों ओवरऑल इसके स्पेसिफिकेशन अच्छे है। अब बात करिए दोस्तों इसमें आपको डिस्प्ले प्रोटेक्शन लिए Gorilla Glass 5GB प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो दोस्तों एक अच्छी बात है। अगर बात करिए दोस्तों इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड है दोस्तों 8 मेगापिक्सल और दोस्तों 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS के ऊपर। अगर बात करी जाए दोस्तों इसके सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही दोस्तों अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की इसकी बात करी जाए, तो फुल HD में आप 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे फ्रंट कैमरे से। अगर बात करें दोस्तों इसके रैम के बारे में, तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों आपको 8GB रैम मिल जाती है, साथ ही दोस्तों 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करी जाए इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा प्राइस के अकॉर्डिंगली। अगर बैटरी की अगर बात करी जाए दोस्तों, यहाँ पर 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, साथ ही इसमें भी दोस्तों आपको 18W का चार्जिंग देखने को मिलता है, जो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर काफ़ी अच्छी बात है। अगर दोस्तों प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 1300 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को
मिल जाएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों ये डिवाइस आपको एंड्रॉइड 12 पे देखने को मिलेगा। और फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर बात करी जाए तो दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करी जाए दोस्तों इस डिवाइस के प्राइसिंग के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे 27,000 रुपये इसकी प्राइस है दोस्तों। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये डिवाइस मैं उन लोगों को प्रेफर करूंगा जिन लोगों को चाहिए एक दोस्तों हाईली परफॉर्मेंस वाला डिवाइस, तब ये डिवाइस उसको एक बार से चेकआउट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरे डिवाइस के बारे में जो है दोस्तों पोको F4 5G। ये लेटेस्ट दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ है स्मार्टफोन है। तो डालते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पे एक नज़र। तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों डिस्प्ले की बात करें 6.6 इंच की दोस्तों एमोलेड पैनल आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 1300 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अगर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की बात करी जाए तो यहाँ पर दोस्तों 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। साथ ही इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है दोस्तों। अगर बात करें इसके कैमरा सेटअप की दोस्तों तो यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड है दोस्तों 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। इसमें भी दोस्तों आपको 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS के अंदर। अगर सेल्फी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इस डिवाइस के अंदर दोस्तों 20 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो Full HD में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे दोस्तों 30 FPS के ऊपर। अगर रैम की अगर बात करते हैं तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों आपको 6GB रैम मिल जाती है। साथ ही दोस्तों 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। और रैम टाइप दोस्तों लेटेस्ट वाला है दोस्तों LPDDR5X रैम इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे बैटरी की बात करी जाए तो इसमें आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है। साथ ही दोस्तों 67W का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर की बात करते हैं तो आप लोग स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसकी परफॉर्मेंस दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और OS की अगर बात करी जाए दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड 12 पे स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे OS की बात करी जाए तो आपको एंड्रॉइड 12 पे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर बात करी जाए तो साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो 27,500 रुपये में स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा फोर्थ नंबर डिवाइस के बारे में जो है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। डाली जाए दोस्तों एक नज़र इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों डिस्प्ले की अगर बात करें 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। साथ ही इसमें आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे कैमरा सेटअप की बात करी जाए तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड है दोस्तों 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। और आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS के ऊपर इसके रियर कैमरे से। अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरे के बारे में तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और Full HD में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे सेल्फी से। अच्छा अगर रैम की बात करें दोस्तों यहाँ पे 6GB रैम मिल जाती है, साथ ही 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें इसकी बैटरी के बारे में तो बैटरी आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, साथ ही 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर की बात करी जाए तो स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। मगर दोस्तों यहाँ पे स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 11 पे देखने को मिलेगा। और फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर बात करी जाए तो साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करी जाए डिवाइस की प्राइसिंग के बारे में तो 24,999 रुपये में ये स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में मिल जाएगा। अब बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की रिकमेंडेशन के बारे में तो जिन लोगों को दोस्तों चाहिए एक बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन, तब ये डिवाइस आपको उन लोगों को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें आपको सैमसंग का भरोसा भी मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों आपके मन में स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।